सेंटेंस वेरिएशन थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोग वाकिफ होंगे जिसमें नाउन्स वर्ब्स वगैरह आते हैं, और इसमें इस सेशन में हम बेसिकली ये देखेंगे हाउ यू कैन हैव फन विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. अक्सर जैसे कि लिखते लिखते कभी राइटर्स ब्लॉक भी आ जाते हैं, या आपको आइडियाज़ के लिए आप स्टक होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ और नए आइडियाज़ उसमें से निकाल सकते हैं. देखते हैं कुछ उसके थोड़ी सी पहले, जस्ट टू रीकैप कि क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और जो आगे रेड में हाईलाइट हुए हैं वो वाला है जो उसके सामने लिखा हुआ है. बर्ड इज़ अ नाउन, और अगर द बर्ड में द इज़ एन आर्टिकल, द वाइट बर्ड में एडजेक्टिव आ गया, द वाइट बर्ड फ्लू इज़ नाउ अ वर्ब. और उसके अलावा एडवर्ब्स में हो गया द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली. प्रेपोजिशंस अगर आ जाएंगे, द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली ओवर द लेक. उसके बाद प्रोनाउंस हैं, द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली ओवर द लेक टू हर नेस्ट. और कंजंक्शंस यानी कि जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं, द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली ओवर द लेक टू हर नेस्ट बिकॉज द डे वॉज डन, क्योंकि शाम हो चुकी. ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. इनकी अदल बदल से आप कैसे मीनिंग चेंज कर सकते हैं, स्टोरी का रुख चेंज कर सकते हैं, स्टोरी का जौरा पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, आइए देखते हैं. एक ये पहले एक पैराग्राफ है जिसमें बर्ड्स की थीम को लेके चलें, और दूसरे में उसी बाकी सारा सेंटेंसेस वही हैं लेकिन उसमें सिर्फ बर्ड्स की जगह मैनेजर्स डाल दिए हैं. लेट्स सी हाउ इट सीम्स डिफरेंट. द बर्ड्स हैड गैदर्ड फॉर अ मीटिंग. इट हैड बीन कॉल्ड बाय मियाँ मिट्ठू हु वॉज फेमस फॉर हिज पावर्स ऑफ कनिंग. The crows and the pigeons, the ostrich and the hens, all knew what it was about. The golden egg that had gone missing from Mia Mittu's nest. Iske bare mein meeting thi. Aur dusre mein dekhiye, humne nouns badle aur baki sari activity, verbs, all of that is the same. The staff had gathered for a meeting. It had been called by the MD, who was famous for his powers of cunning. The managers, directors and junior executives all knew what it was about. The falling sales of the company's most valued product in the last 3 months. तो एक इसमें उस गोल्डन एग था और इसमें जो है फॉलिंग सेल्स हैं, ये चीज़ चेंज की और बर्ड्स की जगह हमने ह्यूमंस डाले. सो अगर आपको किसी आइडिया के लिए स्टक हो, व्हाट यू कैन डू इज कि आप यू कैन हैव फन, टेक अ पैसेज फ्रॉम अ बुक दैट यू लाइक और उसमें नाउन्स बदल के देखें कि उसका क्या फ्लेवर निकलता है या वो उसकी क्या शक्ल बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. बी इमेजिनेटिव, डोंट थिंक कि ये तो हो ही नहीं सकता. आप कहानी बना रहे हैं, कहानी में कुछ भी हो सकता है. सो हैव फन विद दिस. उसके अलावा वर्ब्स कुछ मिलते जुलते मानी के हमने लिए और डाले हैं, लेकिन ये कि देखें कि उनको मिक्स करने से कैसा वो इफेक्ट आ सकता है. ट्राई टू मिक्स एंड मैच द वर्ब्स एंड द लोकेशंस टू कम अप विथ न्यू सिचुएशंस. द विंड ब्लू अक्रॉस द मेडो. द विंड रेज्ड एट द लूज कॉटेज डोर. द विंड रसल्ड द लीव्स. द विंड किस्ड द सर्फेस ऑफ द डीप ब्लू ओशन. तो विंड के डिफरेंट मूड्स इसमें सामने आ रहे हैं. अब इनको थोड़ा सा बदल के देखते हैं, तो वो सीन जो मेडो में पहले हमने कहा था कि ब्लू अक्रॉस द मेडो, यानी कि वो जो एक नेचुरल लैंडस्केप था, खेत सा था, उस पर हवा चल रही थी, तो इससे एक प्लेजेंट सी फीलिंग आती है. और अगर आप कहते हैं द विंड रेज्ड अक्रॉस द मेडो, उससे कोई और सीन पढ़ने वाले के दिमाग में आते हैं. सो दैट्स हाउ वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. द विंड रसल्ड द लूज कॉटेज डोर. पहले इट वॉज रेजिंग एट द लूज कॉटेज डोर. Now it rustled the loose cottage door, यानी हल्के से उसके ऊपर उसने दस्तक टाइप दी. The wind kissed the leaves, पहले भी rustled था, ये kissed है, they both gentle words. और आखिर में the wind blew across the surface of the deep blue ocean. तो आप खुद भी किसी अगेन किसी पैसेज को लेके और मिक्स एंड मैच करके देख सकते हैं कि वर्ब्स बदलने से उसकी शक्ल कैसे बदलती है. या और कुछ वर्ब्स हैं, इनको देखें. He stared at the wound, he examined the wound and he noticed the wound. इन सब में बेसिक चीज़ यही है कि देखा जा रहा है लेकिन देखने के अंदाज डिफरेंट हैं, और उससे आपके दिमाग में हो सकता है कोई डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में जो है डिफरेंट इमेज या आइडिया बन रहा हो. जो हमारा ख्याल था कि वो जो कन्वे करने की कोशिश थी वो ये था, स्टेयर्ड एट द वुंड में शॉक है, डिसबिलीफ है, हैरान है, परेशान है, तो इसलिए वो स्टेयर कर रहा है. जो एग्जामिन कर रहा है वो हो सकता है डॉक्टर होगा, इसलिए वो एग्जामिन कर रहा होगा. और जो नोटिस कर रहा है वो सिर्फ उसने अभी देखा है, पहले नहीं देखा था उसने, ही नोटिसिंग इट मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दैट्स हाउ द इंटरप्ले ऑफ वर्ब्स कैन क्रिएट न्यू सिचुएशंस एंड न्यू मीनिंग्स फॉर द रीडर. एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है राइटिंग का.
इसमें हमने कुछ लिखे हैं और आप आपके लिए ये सोचने के लिए एक चीज छोड़ी है. विच वन वुड यू वॉन्ट टू बी द टाइटल ऑफ योर स्टोरी. थिंक अबाउट वॉट द बेसिक स्टोरी लाइन वुड बी. अगर ये टाइटल होगा इसमें से कोई, तो उसकी फिर कहानी उसके पीछे या उसकी कहानी की मेन प्लॉट क्या हो सकता है, मोटी सी आउटलाइन क्या हो सकती है. कैन यू थिंक ऑफ अनदर स्टोरी टाइटल विद एन एडजेक्टिव फॉर आईज. इसमें आईज के साथ हमने एडजेक्टिव लगाए हैं. कोशिश करें कि आप भी कोई और एडजेक्टिव सोच सकते हो आईज के साथ का. द गर्ल विथ इम्पिश आईज. इम्प होता है एक छोटा सा छलावा एल्फ टाइप का, तो इम्पिश मीन्स नॉटी, वेरी नॉटी. द गर्ल विथ इम्पिश आईज. द बॉय विथ लिम्पिड आईज. लिम्पिड का मतलब होता है जैसे कोई गहरा पूल होता है जिसकी बड़ी सी और स्टिल होता है जो, तो अक्सर जो कलर्ड आंखें होती हैं ग्रीन या ब्लू, उनके लिए ये ज्यादातर यूज होता है लिम्पिड आईज. द पियर्सिंग आईज इन द डार्क. चुपती हुई आंखें अंधेरे में. एम्प्टी हार्ट्स मेरी आईज. खाली दिल और खुश आंखें या हंसती हुई आंखें, या जो आंखें हंसती हुई नजर आ रही हैं. इसमें से आप सिलेक्ट करें कौन सा टाइटल आपको पसंद है, और अगर आप कहानी लिखेंगे तो उसमें फिर मेन आउटलाइन या मेन उसमें कहानी में क्या बताया जा रहा होगा. सो वी होप यू हैव फन विद दिस. उसके अलावा प्रोनाउंस. प्रोनाउंस से भी काफ़ी इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है. वैसे तो ये एक हेल्पिंग सी चीज़ है कि आपने नाउन बार बार नहीं कहना, तो उसकी जगह प्रोनाउन कहना है. लेकिन ये भी कोई एक खास मूड क्रिएट करने के लिए और कोई मतलब बयान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये दो हम दो पैराग्राफ्स हैं, एक में नाउंस डाले हुए और एक में सिर्फ प्रोनाउंस. ही ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनसाइड. शी हर्ड फुटस्टेप्स. दे हर्ड हिम कम अप द स्टेयर्स. साइलेंस एंड देन. इससे आपके दिमाग में कोई एक इम्प्रेशन आ रहा होगा, और अगर हम इसके अंदर ये नाउंस डालें तो फिर देखें कैसे डिफरेंट बनता है. अबू ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनसाइड. अम्मी हर्ड फुटस्टेप्स. गुड्डी एंड मुन्ना हर्ड हिम कम अपस्टेयर्स. साइलेंस एंड देन सरप्राइज. वो एक फैमिली है जो अपने अब्बा के घर आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो उनको सरप्राइज बर्थडे पार्टी या कोई इस तरह की चीज विश करें. तो लेकिन शुरू वाले में थोड़ा सा खौफ का एलिमेंट है, और जब नाउन्स आपने डाले हैं और स्पेशली व्हेन यू नो इट्स अ फैमिली, देन इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग. कंजंक्शंस में भी यही है कि फोकस जो है और जो एम्फसिस है जुमले का, वो चेंज हो सकता है उससे. अगर ऑल्दो हम इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो दाऊद वॉज टायर्ड ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फोन कॉल. यानी फिर भी वो था फोन सुनने के लिए, गो के वो थका हुआ था. दाऊद वॉज टायर्ड बिकॉज ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फोन कॉल. वैसे वो थका हुआ नहीं था, उस फोन कॉल को सुनने से वो थक गया था क्योंकि उसने उठ के फोन सुना. और आखिरी उसका है, नॉट ओनली वॉज दाउट टायर्ड ही ऑल्सो हैड टू ड्रैग हिमसेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फोन कॉल. तो इसमें ये पेयर है कंजंक्शंस का, नॉट ओनली के साथ हमेशा ऑल्सो भी आता है. सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यू कैन यूज देम डिफरेंटली एंड हैव फन विद देम एंड सी के आप उसके साथ अपनी क्रिएटिव राइटिंग में कैसे सपोर्ट ले सकते हैं. ये सिर्फ जुमले को करेक्ट या इनकरेक्ट अनाउंस करने के लिए नहीं होते, बल्कि इनके और बहुत से क्रिएटिव पर्पसेस भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको शो किया. थैंक यू.